मेरे वकील श्री रत्नेश कुशवाहा ने बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री को एक लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि पटना का खेतान मार्केट और जो लोधीपुर का मॉल है वो सुशीलपुर मोदी का है, इस संबंध में कोई दस्तावेज उनके पास है, एक सप्ताह के भीतर उन दस्तावेजों को सार्वजनिक करें, अन्यथा बिहार की जनता से माफ़ी मांगें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। श्री रितेश कुशवाहा ने अपने लीगल नोटिस में आगे ये भी लिखा है कि उन्होंने यह आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए दबंगई के द्वारा उन्होंने क्रिश्चियन की जमीन को कब्जा करके लोधीपुर का मॉल और खेतान मार्केट बनवाने का काम किया था, जो उनकी प्रॉपर्टी है। इसलिए इस संबंध में अगर कोई दस्तावेज उनके पास है तो उनको पब्लिक करना चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से, नहीं तो उन पर मानहानि का आपराधिक मुकदमा न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। ये सीबीआई जब जांच कर रही थी तब उस समय गुजराल आ गए थे, और जब 2013 में जब उन पर उनको सजा सुनाया गया, चार्जशीट हुई, तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और सभी सरकारों में आरजेडी सम्मिलित थी। देखिए कितना मजबूत है और कितना कमजोर है इसको हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर अब बिहार देख रहा है, और उनकी नीतियां जो महागठबंधन की है इतनी कमजोर नीति है, कुर्सी लोलोप नीति है, कुर्सी पर बने रहने की नीति है, जहां तुष्टिकरण है, परिवारवाद है, जहां विकास से कोई मतलब नहीं है, वह वैसे गठबंधन विकास बिहार में नहीं दे सकते। उनका पुराना इतिहास भी है, 20 दिनों का भी यह अभी का वह कार्यकाल को आप देख रहे हैं, तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो महागठबंधन की नीति बिहार की भलाई करने वाली नहीं है, और जो तालमेल होते रहा है कभी इधर से उधर जाकर कभी उधर से उधर जाकर, इसको जनता देख रही है। बिहार में विकास की जरूरत है, जब बिहार को औद्योगिकरण की जरूरत है, बिहार को तुष्टिकरण से बचाने की जरूरत है, विधि व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, बिहार में बालू सस्ता करने की जरूरत है, बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है, तो इन सब चीज़ों से महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार बिल्कुल ही कोई रुचि रखने वाली नहीं है।